हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को सर्व प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार मूवी स्त्री 2 एक महीने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। मूवी जमकर नोट छाप रही है और इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। 26 मूवी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मूवी अब तक एनिमल से लेकर गदर 2, पठान, जवान और पीके सहित कई मूवियों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी ज्यादा तारीफ मिली है। इसके ठीक बाद मेकर्स ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि बहुत जल्द इनका तीसरा सीक्वल भी आ जाएगा। फिल्म में राजकुमार राव और श्रद्धा की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं अब जो खबर आ रही है वो श्रद्धा कपूर के फैंस को शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर की इस मूवी से छुट्टी हो गई है। वहीं राजकुमार राव के साथ उनकी वाइफ पत्रा लेखा ही देखने को मिलेगी। हाल ही में अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज आईसी 1814 द कंधार हाईजेक में देखा गया था। फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में पत्रा लेखा से पूछा गया कि क्या वो स्त्री 3 में अपने हस्बैंड राजकुमार राव के अपोजिट काम करना चाहेगी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, श्रद्धा है ना, उनकी जोड़ी बहुत ही मस्त है, अभिषेक है, अपार शक्ति है, पंकज है, वो वर्ल्ड सेट है। स्त्री 2 मूवी साल 2018 में स्त्री का ही सीक्वल है। इसमें चंदेरी शहर की भयानक भूतों की घटनाओं को दिखाया गया है। एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। अमर कौशिक ने इनको डायरेक्शन दिया है। फिल्म स्त्री 2 का निर्माण दिनेश विजन ने मेडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियो के ज्योति देश पांडे के साथ मिलकर किया है। इससे तो इतना पता चलता है कि स्त्री 3 में इस बार राजकुमार राव की रियल पत्नी पत्रक लेखा देखने को मिल सकती है। पर अभी श्रद्धा कपूर का क्या होगा वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर।